नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, आनंद गणेश जी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब, इसमें से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है अहम से ब्रह्मानंद तक। दोस्तों, ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें लक्ष्मी माँ ने हमें हमारे तीसरे चक्र के बारे में यानी कि मणिपूरक चक्र के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक समझाया है, काफी उदाहरण देते हुए अपने मानव अवतार के जरिए उन स्थितियों को समझाते हुए हमें इस मणिपूरक चक्र के बारे में समझाते हुए माँ हमें आगे ले जा रही हैं। तो यहाँ पर हम माँ के द्वारा ये समझ रहे थे कि किस प्रकार एक बच्चा अपने माँ को हील कर सकता है। तो यहाँ पर माँ हमें समझा रही है कि जो बच्चा है उसके अनाहत चक्र और ऊपर वाले चक्र यानि कि विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, ये सारे खुली अवस्था में स्वच्छ रहते हैं। और इसी कारण जब माँ बच्चों के संपर्क में आती है तो उनके ऊपर के चक्र खुले रहने के कारण वो माँ के पहले तीन चक्रों को हील करने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से कह रहे हैं कि माँ, जब आपने कहा कि बच्चों का अनाहत चक्र जो हृदय के पास रहता है वो और ऊपर वाले चक्र खुले रहते हैं, तो सच्ची बात है माँ, क्योंकि जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो हमारा हृदय पिघल जाता है। हम ये कहते हैं कि हमारा हृदय बच्चों को देखकर पिघल जाता है। तो माँ कहती है कि बेटा, ये जो शब्द है हृदय पिघलना, जब हम ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक बच्चे को देखते हैं तो जो हम अनुभव को प्राप्त करते हैं, हृदय के पिघलने वाला अनुभव, वो इसीलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि उस बच्चे को देखकर, उसके साथ अनुभव करके हमारे पहले तीन चक्र, नीचे के तीन चक्र खुल के अनुसंधानित हो जाते हैं। और जब पहले तीन चक्र संपूर्ण रूप से खुलकर अलाइन हो जाते हैं तो ऐसे स्थिति में हम अपने हृदय तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए जब भी हम बच्चों को देखते हैं तो हम सीधा अपने हृदय के साथ इसलिए संपर्क कर पाते हैं क्योंकि उस स्थिति में हमारे पहले तीन चक्र संपूर्ण रूप से खुल जाते हैं। और माँ कहती है ऐसा नहीं है कि ये अनुभव सिर्फ एक या दो व्यक्ति प्राप्त करते हैं, हर एक व्यक्ति जो बच्चों के उपस्थिति में रहता है वो सब इस अनुभव को प्राप्त कर पाते हैं। कितना अद्भुत है दोस्तों, हम सब ये फील करते हैं, हम सब जानते हैं कि जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं, उनकी उपस्थिति में रहते हैं तो हमारा हृदय एकदम पिघल जाता है, न चाहते हुए भी हम मुस्कुराने लगते हैं, हमारे सारे दुख भूल जाते हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते कि इसके पीछे क्या कारण है। तो माँ कितने अद्भुत रूप से हमें इस चक्रों का खेल समझा रही है। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी अपना अगला प्रश्न माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, आपने ये बताया कि बच्चों के ऊपर के चक्र अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, ये सारे खुले रहते हैं इसलिए हम उसमें से एनर्जी फील कर पाते हैं, पर बच्चों के नीचे के तीन चक्रों के बारे में क्या, जो उनके मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक चक्र है, क्या वो खुले नहीं रहते? तो दोस्तों, माँ बता रही है कि बच्चे का जो कर्म रहता है, जो पिछले जन्मों का कर्म वो अपने साथ लेकर आते हैं इस जन्म के लिए, वो कर्म पहले तीन चक्रों के
इर्द गिर्द समाया रहता है। जो भी हमारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, वो जब हम मनुष्य का अवतार लेते हैं तो हमारे पहले 3 चक्रों के चारों ओर स्थित रहते हैं। तो माँ कहती है कि ये जो कर्म है वो कहाँ पर है, हर चक्र के इर्द गिर्द जो हमारा मन है उस मन में ये कर्म समाया हुआ है, पर ये बच्चों का जो मन होता है इस चक्रों के इर्द गिर्द वो एक्टिवेट नहीं होता। हर बच्चों का मन एकदम साफ रहता है, उनका मन हमारे तरह नहीं रहता दोस्तों, शून्य रहता है। इसीलिए पहले 3 चक्रों के चारों ओर मन साफ रहने के कारण उस मन में समाये हुए कर्म उस अवस्था में उन तक नहीं पहुंच पाते। बहुत ही मुख्य संदेश है दोस्तों, हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, जो भी हम प्रारब्ध कर्म अपने साथ लेकर आते हैं, वो हमारे पहले 3 चक्र के इर्द गिर्द समाया रहता है और वो तभी एक्टिवेट होता है जब वहां का मन एक्टिवेट रहता है। हर चक्र के चारों ओर हमारा मन है, हमने ये पिछले एपिसोड्स में जाना दोस्तों। हमें ये भी मालूम है कि मूलाधार चक्र के इर्द गिर्द जो हमारा मन है वो हमारे भय को निर्णय करता है, हमारे फिजिकल सर्वाइवल को डिटरमिन करता है। जो हमारा दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र के इर्द गिर्द जो हमारा मन है वो हमारे मनोभावनाओं का घर है, और जब हम मणिपूरक चक्र के इर्द गिर्द के मन तक पहुंचते हैं तो वहां पर हम ये समझते हैं कि वहां अहम और ब्रह्मानंद का घर है। पर अगर वो मन ही एक्टिवेट नहीं है, अगर मन ही शून्य है, तो उस शून्यता की अवस्था में वहां का ये जो कर्म है वो काम नहीं करता। तो इसीलिए बच्चे भले ही कर्म लेकर आते हैं पर उस बच्चों की अवस्था में उनका कर्म एकदम सोया हुआ रहता है या एक्टिवेटेड नहीं रहता। माँ कहती है कि योगी और जो बड़े बड़े सिद्धि हैं उन्होंने भी ये सीखा है अपनी साधना के द्वारा कि किस प्रकार नीचे के 3 चक्रों को सुषुप्त अवस्था में रख सकते हैं, किस प्रकार उन चक्रों के इर्द गिर्द जो हमारा मन है उसको क्लियर करके, उस मन को शांत करके हम किस प्रकार उस मन को उस 3 चक्रों के इर्द गिर्द शांत रख सकते हैं। माँ कहती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा समर्पण की स्थिति में ही रहते हैं। किसके आगे समर्पण? जो भी वर्तमान है, वर्तमान का क्षण जो है वो उसी में समाये रहते हैं। वो कल के बारे में नहीं सोचते, ना आने वाले कल के बारे में उनकी चिंता है, न बीते हुए कल के बारे में वो सोचते हैं। वो सिर्फ वर्तमान क्षण में अपने आप को समाये हुए संपूर्ण रूप से समर्पित अवस्था में अपने आप को हमेशा रखते हैं। इसीलिए जो भी समर्पण की स्थिति में रहता है उसका मन उन 3 चक्रों के इर्द गिर्द हमेशा सुषुप्त रहता है, एक्टिवेटेड नहीं रहता। पर माँ यहाँ कह रही है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है और बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उन पहले 3 चक्र के इर्द गिर्द जो मन है वो धीरे धीरे जागृत होने लगता है, एक्टिव होने लगता है, और जो चक्र खुले हैं बच्चों की अवस्था में जो खुले रहते हैं वो मन के जागृत होते के साथ साथ ये चक्र धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाते हैं। मुख्य रूप से तब जब माँ बाप अपने भय उन बच्चों पर लादने लगते हैं, अपनी सोच व्यवस्था, अपने बिलीफ सिस्टम बच्चों पर लादने लगते हैं। तो माँ कहती है जब तक बच्चा 5 साल का हो जाता है तो बच्चों के पास जो भी स्थिति रहती है जहाँ वो आनंद की स्थिति में है तो उस आनंद की स्थिति माँ बाप के सोच के कारण इफेक्ट होने लगती है। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या माँ बाप सीख सकते हैं किस प्रकार
अपनी सोच व्यवस्था को बच्चों पर न लादे। क्या माँ बाप ये सोच सकते हैं इस बारे में, क्या वो गौर कर सकते हैं? माँ यहाँ कहती है, बेटा कहना आसान है पर ये लगभग नामुमकिन है माँ बाप के लिए कि ऐसा न करे। क्यों? क्योंकि उनकी कंडीशनिंग हो चुकी है। किस प्रकार? क्योंकि जब वो बच्चे थे उनके माँ बाप ने उनके भय सोच विचार उनके ऊपर लादे और समाज में हर चारों ओर वही हो रहा है, तो इसीलिए बच्चों के लिए ये बहुत माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल है कि बच्चों के ऊपर भय से पीड़ित सोच व्यवस्था न ला दें। माँ कहती है कि ऐसे काफी पेरेंट्स हैं, काफी माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के साथ शांति से अपने हृदय से संपर्क नहीं रखते। माँ कहती है कि ऐसे माँ बाप अपने बच्चों पर तभी ध्यान देते हैं जब उनको कुछ आवश्यकता होती है, बाकी समय पर वो एकदम बच्चों की तरफ भी नहीं देखते। माँ कहती है कि हाँ, बच्चों को खाना खिलाना, उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, पर ये भी बहुत जरूरी है कि माँ बाप के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो चक्र उनके खुले अवस्था में रहते हैं, बच्चों के उच्चतम चक्र, हम उसे हमेशा खुली अवस्था में रखने में सहायक होएं। क्योंकि जब भी हम अपनी सोच व्यवस्था बच्चों पर लादते हैं तो ये उनके चक्र व्यवस्था को प्रभावित करता है। माँ कहती है कि माँ बाप को अपने बच्चों के हायर चक्रास के बारे में सोचना चाहिए, उसको पोषण करना है। किस प्रकार? बच्चों के साथ प्रकृति में अधिक समय बिताएं और वर्तमान में रहने का प्रयत्न करें, भविष्य और भूतकाल में बच्चों के साथ न रहे। माँ कहती है कि प्रकृति में रहने से माँ बाप भी बच्चों की तरह वर्तमान में रहकर समर्पण की स्थिति में रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। माँ बाप बच्चों के मन में भय और असुरक्षित सोच लाद रहे हैं और ये सीधा कहाँ पहुँचते हैं? बच्चों के पहले तीन चक्र जो मन है, उन तीनों चक्रों के इर्द गिर्द ये सारे बिलीफ सिस्टम्स वहाँ जाकर जमा हो जाते हैं और इस भय के कारण, इन सोच व्यवस्थाओं के कारण धीरे धीरे बच्चे अपनी दिव्यता भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनका कितना डिवाइन नेचर है और 5 साल की उम्र के बाद काफ़ी बच्चे तो हंसना भी भूल जाते हैं। जो अपनी दिव्यता से दूर रहता है वो आनंद भी भूल जाता है। यहाँ पर माँ बताती है कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ, उन बच्चों के बारे में सोचो जो बहुत ही छोटी उम्र में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं या बजाने का शौक रखते हैं। वो अपने माँ बाप को इसीलिए उन्होंने चुना है ताकि वो जानते हैं कि ऐसे माँ बाप उनकी सहायता करेंगे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने में और इस प्रकार दोनों आनंद में रह सकते हैं। और इस आनंद के कारण जब बच्चे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इतने यंग एज में बजाने लगते हैं तो ये खुशी सिर्फ बच्चों तक नहीं, ये बड़ों तक पहुंचकर माँ बाप के DNA तक को प्रभावित करती है। इसलिए माँ बाप को ये चीज समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो बच्चों पर ध्यान दे तो बच्चों का ही नहीं उनका भी काफ़ी लाभ हो सकता है। लाभ, हीलिंग, ये बात अच्छी है, पर हम बच्चों के ऊपर अपने स्वार्थ के लिए डिपेंड नहीं हो सकते। तो बच्चों के डिविनिटी को बढ़ाना है, ये हमारा परम कर्तव्य है, पर हमारे हीलिंग के लिए या हमारे DNA के इम्प्रूवमेंट के लिए हम बच्चों के लिए हम नहीं सोच सकते। माँ कहती है कि अगर
माँ बाप बच्चों को सहायता करते हैं किस प्रकार, अपनी सोच व्यवस्था उन पर न लाद कर उन्हें अपनी तरह रहने दे, उन्हें वर्तमान में रहने दे, उन्हें समर्पण की स्थिति में अगर रहने दे तब जो चक्र है उनको खुल खुला रहना, उनको अनुसंधानित स्थिति में रखना उस बच्चे का चॉइस है। तो माँ कहती है कि जब बच्चों का चॉइस हम उनके लिए छोड़ देते हैं तब वो ये चयन कर सकते हैं कि क्या वो अपनी जिंदगी में आनंद के बीज बोए या अहम के बीज। पर माँ बाप को एक बात का ध्यान रहे कि ये चयन बच्चों पे छोड़ दे, ना कि खुद अपने भय और अपने बिलीफ सिस्टम को बच्चों पे लादे नहीं। तो यहाँ आनंद कर्णेशी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, माँ आपने कई बार ये शब्द प्रयोग किए हैं कि चक्रों का खुला रहना और उनका अनुसंधानित स्थिति में रहना, तो क्या आप हमें समझा पाएंगी कि चक्रों का खुलना और अनुसंधानित होना इसका क्या तात्पर्य है? तो माँ कहती है कि बेटा चक्रों का खुलना मतलब, यहाँ पर दोस्तों हम पहले तीन चक्रों के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपूरक चक्र, जिसके इर्द गिर्द मन रहता है और उस मन में हमारे कार्मिक पैटर्न्स रहते हैं। तो माँ कहती है कि चक्र का खुलने का मतलब ये है कि उस चक्र के इर्द गिर्द जो मन है वो शून्य हो गया है। और माँ कहती है ये जो मन है वो सिर्फ पहले तीन चक्र के इर्द गिर्द ही रहता है, ऊपर के चक्रों के पास ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम प्रॉब्लम समझे तो प्रॉब्लम, नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मन है वो सिर्फ पहले तीन चक्रों के इर्द गिर्द ही रहता है, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, इसके चारों ओर मन का कोई अंश नहीं होता। तो माँ कहती है कि जब हम मन के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले तीन चक्रों के ही बारे में हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और जब ये पहले तीन चक्र खुल जाते हैं संपूर्ण रूप से, किस प्रकार, उनके चारों ओर इर्द गिर्द जो मन है उसको शून्य करके, जब ये तीन चक्र संपूर्ण रूप से खुल जाते हैं तो ये अपने आप एक दूसरे के साथ अनुसंधानित हो जाते हैं। तो एक चक्र में से एनर्जी दूसरे चक्र से, दूसरे चक्र से तीसरे चक्र से एनर्जी आराम से पास होने लगती है, और एनलाइटनमेंट का, आत्म साक्षात्कार का ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। तो माँ कहती है कि जब तीनों चक्र अलाइन होए, अनुसंधान हो या नहीं हो, ये किस पर निर्भर करता है, ये उस बात पर निर्भर करता है कि चक्र खुले हैं या नहीं। अगर चक्र संपूर्ण रूप से नहीं खुले हो तो उनका अनुसंधान नहीं होता। तो यहाँ माँ कहती है कि आओ बेटा मैं यहाँ पर एक उदाहरण से तुम्हें समझाती हूँ। दोस्तों माँ का ये उदाहरण बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि एक ऐसा विजुअलाइजेशन का ध्यान है, विजुअलाइजेशन का मतलब कल्पना करना। तो माँ हमें एक अद्भुत विजुअलाइजेशन ध्यान की साधना यहाँ दे रही है। तो दोस्तों आंख बंद करें और आंख बंद करके मैं जो कह रही हूँ उसे सुनकर उसे अनुभव करने का प्रयास करें। माँ कहती है कि मानो कि हम एक इवनिंग वॉक पर निकले हैं, आप और मैं, बहुत ही सुंदर हवा चल रही है, प्रकृति बहुत ही सुंदर रूप से हमारे सामने है, और प्रकृति से जो हमें ध्वनि प्राप्त हो रही है, बड़े ही अद्भुत ध्वनि, हवा की ध्वनि, पेड़ों की ध्वनि, पक्षियों की ध्वनि। अब आप अपने पैरों की तरफ देखिए, आप पैदल
बिना कोई चप्पल के नंगे पैर चल रहे हैं। आपके पैर धरती माता से संपर्क में है। जब भी हमारे पैर नंगे होते हैं और धरती माता से संपर्क में होते हैं, तो हमारे जो सेंसेस होते हैं वो एकदम संपूर्ण रूप से जागरूक रहते हैं। ऐसे सुंदर अवस्था में, ऐसे सुंदर प्राकृतिक अवस्था में हमारे मन में किसी प्रकार का भय नहीं है। जो भी भय हमारे मन में है, हमने उसका समर्पण कर दिया है। हमारा भय हमारे मूलाधार चक्र के इर्द गिर्द रहता है और इस सुंदर प्रकृति में हमें कोई भय नहीं है दोस्तों। और जैसे ही हमारा भय हमने समर्पण कर दिया, तो हमारे मूलाधार चक्र के चारों ओर का मन मानो शून्य हो गया। हम आराम से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब हम धीरे धीरे अपने मनोभावनाओं की तरफ दृष्टि दें। हमारे मन में शायद इस समय दुख है, दर्द है, क्रोध है, आवेश है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रकृति में, तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि पेड़ों के पास कोई मनोभावनाओं का दर्द नहीं है, उनके ऊपर मनोभावनाओं का कोई भार नहीं है। तो इन पेड़ों के बीच में हम चलते हुए इन पेड़ों के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, और जैसे ही हम इन पेड़ों के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, हमारी सारी बाधाएं ये वृक्ष मानो हमसे लेके आगे निकल रही हैं। पेड़ों के साथ जब भी हम संबंध स्थापित करते हैं दोस्तों, हमारी मनोभावनाएं मानो पिघल जाती हैं। पेड़ों के साथ हम एकत्व की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। ये जो पेड़ हैं, इनके पास कोई अहम नहीं, ये अपने आप को दूसरे पेड़ों से बड़ा नहीं समझते। तो हम आज इस प्रकृति में नंगे पैर भू माता से संपर्क स्थापित करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने अहम को उन पेड़ों की तरह समर्पण कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पहले चक्र के इर्द गिर्द कोई भय नहीं, हमारा मन एकदम क्लियर है। हमारे दूसरे चक्र के इर्द गिर्द कोई मनोभावनाएं नहीं, हमारा दूसरा चक्र क्लियर हो गया है। हमारे तीसरे चक्र के इर्द गिर्द कोई अहम नहीं, जैसे ही वहां का मन क्लियर हो गया, तो मानो तीनों चक्र बिल्कुल संपूर्ण रूप से ओपन हो गए हैं दोस्तों। और जब पहले तीन चक्र संपूर्ण रूप से खुल जाते हैं, तो वहां हम अनाहत चक्र तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे नीचे के तीन चक्र एकदम शून्यता से घिरे हुए हैं, और जो हमारे ऊपर के चक्र हैं वो तो हमेशा खुले रहते हैं। पर जब तक हम पहले तीन चक्रों को नहीं खोले, हम ऊपर के चक्रों तक संबंध नहीं स्थापित कर सकते। पर दोस्तों, इस प्रकृति में धरती माँ से संपर्क करते हुए, इन पेड़ों के बीच में चलते हुए, हमने अपने पहले के तीनों चक्र को खोल लिया है, और इस क्षण में हम अपने ऊपर के चक्रों से भी संबंध स्थापित करके हमारे चक्रों को अनुसंधानित कर रहे हैं। जब हम ऐसे शून्यता की अवस्था में हैं, तो हम उस ब्रह्मानंद को महसूस करते हैं
जो हमारे सारे चक्रों को जोड़ कर रखता है। दोस्तों, ये जो काल्पनिक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन है, जब भी आप ऐसी अवस्था से गुजर रहे हो कि आपके मन में कई प्रकार के मनोभावनाएं उथल पुथल कर रही हैं, तो यहाँ माँ ने जो हमें छोटा सा उपाय दिया है, या तो हम खुद ही एक बाग में जाके, बगीचे में जाकर भौतिक रूप से नंगे पैर वहाँ चलते हुए, पेड़ों को छूते हुए अपने पहले तीन चक्रों को खाली कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं। अगर ये उपलब्ध नहीं है हमारे लिए, तो आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में हम ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम बेफिक्र इस प्रकृति में, उस खुली हवा में, उन बड़े बड़े पेड़ों के पीछे बीच में से उनको छूते हुए, उनको गले लगाते हुए, नंगे पांव धरती से संपर्क करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब भी हम ये साधना करते हैं दोस्तों, तब हम अपने पहले तीन चक्र को संपूर्ण रूप से खोल कर रखने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, आज का अध्याय हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।